तो जब भी तुझे देखता हूँ तो झुक जाता है सर मेरा। जब भी तुझे देखता हूँ तो झुक जाता है सर मेरा। अब अगर तू खुदा नहीं है ना तो साबित कर। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि प्यार क्या है। मेरा मानना है कि जिसमें आप कंप्लीटली फ्री हों और उसके बाद भी आप एक बाउंडेशन में रहना चाहें, वो प्यार है। तो आप सभी पहले अपने अपने चाहने वाले और चाहने वालियों को याद कर लें। आज आपको इश्क के दो अलग अलग रूपों से रूबरू कराऊंगा कि हर बार तुझे देखूं और बस तू हो जाऊं, चला मैं तेरे जिस्म में रूह हो जाऊं, और इश्क की नई इबारत चल आज लिखते हैं। तुझे अगर गम मिले तो मैं तेरा सुकून हो जाऊं, जानती है क्यों? क्योंकि मुझे ना तुझसे इश्क हो गया है। तेरी जब बिंदिया चमके ना तो वजह मुझे बनना है, मुझसे मिलने पर बढ़ जाने वाली तेरी हर धड़कन को सुनना है, और मुझे देखकर जो तेरे सुर्ख गालों पर और सुर्ख लाली आती है, मुझे उसे लबों से छूना है, दिल में उन यादों को बुनना है, जानती है क्यों? क्योंकि मुझे ना तुझसे इश्क हो गया है। तेरी जो पायल चमके ना तो मैं उन्हें अपने हाथों से पहनाऊं, तेरी बड़ी सी आंखों में मैं एक बार खुद ही काजल लगाऊं, और जब तू अपने कानों में वो बड़ा सा झुमका पहने तो मैं खुद इश्क हो जाऊं, तुझे इबादत बनाऊं, जानती है क्यों? क्योंकि मुझे ना तुझसे इश्क हो गया है। तुझे पता है तुझसे मिलने को ना मैं हर पल बेकरार रहता हूं, तेरे एक फोन के इंतजार में रात भर जागा रहता हूं, तेरी आवाज सुनने के बाद ही अब मुझे नींद आती है, और तेरे लिए अपने दोस्तों से मजनू रांझे वाले ताने सुनता हूं, जानती है क्यों? क्योंकि मुझे ना तुझसे इश्क हो गया है। और फिर एक रोज मेरे फ्लैट की डोरबेल बजती है, यार तू इस सादा लिबास में कितना जचती है, और तुझे देखकर ना दिल मेरा साला पागल हो जाता है, मुझे हर दफा इश्क हो जाता है तुझसे जब तू मेरी बकबक पर हंसती है, जानती है क्यों? इस बार बोलने की बारी उसकी थी, मेरे होठों पर अपनी उंगली रखकर बोलती है कि मुझे ना तुझसे इश्क हो गया है।